विद्युत विभाग के जूनियर इंजीनियरों ने मांगों के समर्थन में अनूठा प्रदर्शन कर सरकार को चेताया है। उत्तर प्रदेश ऊर्जा प्रबंधन एवं उत्तर प्रदेश शासन का ध्यान आकर्षित कराने के लिए कार्य बहिष्कार करने के बजाय सहयोग सत्याग्रह किया, जिसके तहत 48 घंटे तक लगातार काम करके 60 विद्युत उपकेंद्रों पर अधूरे कार्यों को पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन के बैनर तले जिले के 55 अवर अभियंताओं प्रोन्नत अभियंताओं ने प्रदेश सरकार द्वारा पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को निजी घरानों के हाथों में सौंपे जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए 10 सूत्री मांगों के समर्थन में आवाज उठाई। अवर अभियंताओं ने चेतावनी दी कि यदि शासन के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया तो अगले चरण में आंदोलन व्यापक व विशाल रूप में होगा। राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन के आह्वान पे हम लोग जो है 48 घंटे का अनवरत सहयोग सत्याग्रह कर रहे हैं। मैं जनपद स्कंद की तरफ से जो है यहाँ सीतापुर क्षेत्र में जो भी जनपदीय कार्य है उनका जो है सुपरविजन कर रहा हूँ और जो भी समस्याएं हैं उनको मैं निस्तारित किया है। और इसके अलावा हमने जो है जो भी हमारी पेंडेंसी थी वो हमने निपटाई है और लोगों को जागरूक किया है तथा उपभोक्ता सेवा में जो है सहयोग प्रदान करने वाले बिजली कर्मियों और बिजली के अवर अभियंताओं को पूरा सहयोग दिया। जय हिंद जय हिंद। राज्य विद्युत परिषद जूनियर संगठन का हम लोग का एक 48 घंटे का कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम में हम लोगों ने उपभोक्ता की सेवाओं से संबंधित कार्य किए हैं जो अभी भी चल रहा है, जो कल सुबह 10 बजे समाप्त होगा। और जितनी उपभोक्ता से संबंधित सेवाएं हैं, नए कनेक्शन से संबंधित काफ़ी उपभोक्ताओं को जो सप्लाई संबंधित दिक्कतें हैं सबका निवारण किया गया है। और कल भी कार्य किया गया था, आज भी कार्य किया गया है और आगे भी कार्य कराया है। राज्य विद्युत जूनियर इंजीनियर संगठन उत्तर प्रदेश शाखा के केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर यह सहयोग सत्याग्रह चलाया जा रहा है। इसलिए कोई आंदोलन नहीं है, 48 घंटे अनवरत हम लोग जो है इस संगठन के सदस्य जो है अपने कार्यस्थल पर उपस्थित होकर के समस्या जो है सुनी गई, समस्याओं का निस्तारण किया गया। गांवों को जागरूकता के समय जो है लोगों ने साथ देने का जो है पूरा आश्वस्त किया कि अगर ऐसा कुछ निजीकरण के करती है सरकार तो हम लोग भी साथ में आपके खड़े हैं। जी सर, कितना प्रतिशत जो पेंडिंग काम था निपटा लिया गया है? लगभग आज की डेट में जो भी उपभोक्ता संबंधित ऑनलाइन एप्लीकेशन से नए कनेक्शन के वो शून्य कर दिया गया और विद्युत व्यवस्था सप्लाई को जिनकी बाधित थी वो सब सही कर दिया गया। सबसे बड़ा काम हम लोगों ने जो किया कि 33 केवी ब्रेकर जो है आए दिन बिना किसी टाइमिंग के कभी भी ट्रिपिंग हो जा रही थी, जिससे अघोषित विद्युत कटौती से लोगों को समस्या होने लगती थी, वो सब रिप्लेस करा दिया। अभी आज दूसरा दिन चल रहा है, अभी आज तक रात भर चलेगा, कल सुबह 10 बजे। राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन उत्तर प्रदेश के समस्त सदस्यों के द्वारा 8 सितंबर से 48 घंटे के लिए अनावरत सत्याग्रह आंदोलन किया गया है। इसमें सभी अवर अभियंता अपनी अपनी सीट से 48 घंटे काम करेंगे, जिसमें क्षेत्र की सारी बिजली विभाग की समस्याओं को दूर किया जाएगा। खैराबाद में 33 केवी फीडर की जो समस्या बनी रहती थी, जिससे आए दिन रोस्टिंग हो जाती थी, उस समस्या को पूरी तरीके से दूर किया गया है। ऑनलाइन कनेक्शन के लिए जो भी आवेदन थे वो सारे कनेक्शन किए गए हैं और भी जो छोटी मोटी समस्याएं थी उन सारी समस्याओं का निस्तारण किया गया है। खैराबाद से आई इंडिया के लिए धीरज शुक्ला। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।